फ्रेंड्स, जय मा टैरो में आपका स्वागत है। जय मा टैरो आपका अपना टैरो। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके पार्टनर की करंट फीलिंग, यानी कि आपके पार्टनर की वर्तमान भावनाएं। ये कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल, टाइमलेस और कीशी। देखते हैं आपके पार्टनर जिन लोगों के दूर है या सेपरेशन में है, कैसे भी किसी वजह से दूर है या थोड़े दिन मिले नहीं, उनकी आपको लेके क्या फीलिंग है। चलिए शुरू करते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग। दमेजीश, एट ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, टेन ऑफ कप्स, द मून। किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, हो जाओ। फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने बताया, रीडिंग में का टॉपिक है आपके पार्टनर की करंट फीलिंग। तो मैं आपको बताती हूँ कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है। फ्रेंड्स, आप और आपके पार्टनर इमोशनली अटैच हो, आप अपने पार्टनर से बहुत प्यार करते हैं, और ये कार्ड थर्ड पार्टी का भी बताता है। लेकिन आपके रिश्ते में खराबी, जिन लोगों के रिश्तों में खराबी है, वो ये बताता है कि आपके पार्टनर, चाहे वो ही हो या शी हो, वहाँ कोई एक ऐसी पर्सनैलिटी है जो बीच में इंटरफेयर करती है और आपका रिश्ता आगे तक नहीं जाने देना चाहती। उनकी फैमिली में कोई ऐसा है, वो मेल पर्सनैलिटी भी हो सकती है। तो आप जो इमोशनली अटैच हो, आपके पार्टनर आपको लेके सीरियस है, लेकिन फैमिली वाले इंटरफेयर करते हैं, जिसमें मेल पर्सनैलिटी बताई गई है। और कुछ लोगों के जो पार्टनर हैं, उनका थर्ड पार्टी के साथ भी कनेक्शन हो सकता है। उनको लेकर हो सकता है आप स्पिरिचुअल हो या आपके पार्टनर भी स्पिरिचुअल हो। स्पिरिचुअल आपकी इंट्यूशन, जब से वो आपकी लाइफ में आए हैं, आपके रिश्ते में थोड़ा सा ब्रेक आया है, आप भी अब स्पिरिचुअल होने लगे हो। स्पिरिचुअल का मतलब ये है कि आप धर्म कर्म में पहले से ज़्यादा विश्वास रखने लगे हो। लेकिन आपका पार्टनर, जैसे कि कुछ लोगों के पार्टनर उससे एज से छोटे भी हो सकते हैं, ना समझ भी हो सकते हैं, घर वालों के साथ उनकी नहीं चलती, घर वालों के आगे उनकी नहीं चलती, अपने रिश्ते को आगे बढ़ाने की सोचते हैं, लेकिन एफर्ट लगा के उनमें जीते, वो उनको लगता है कि वो हार जाएंगे उनके आगे, इसलिए वो ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाते, वक्त का इंतज़ार करते हैं। लेकिन अपने आप को बंधा हुआ, फैमिली की जब बात आती है तो उनकी पेश नहीं चलती, अपने आप को बंधा हुआ महसूस करते हैं। लेकिन आप इस एनर्जी में हो, आप उदास हो, आपके पास अभी किसी चीज़ की कमी नहीं है, लेकिन आप अपने पार्टनर की वजह से उदास हो। लेकिन देखिए, किंग ऑफ कप्स और क्वीन ऑफ कप्स आया है, इससे पता चलता है आप इमोशनली अटैच हो और आप एक दूसरे के लिए बने हुए हो। लेकिन बीच में जो फैमिली का इंटरफेयर है, जहाँ कोई, मेरे को लगता है मेल पर्सनैलिटी ऐसी है, वो नहीं चाहती शादी हो, इसलिए आप दुखी हो। और आप स्पिरिचुअल होने जा रहे हो या हो चुके हो, हो सकता है आपका पार्टनर भी स्पिरिचुअल हो रहा हो, धर्म कर्म में आगे विश्वास रख रहा हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो आप एक दूसरे को, ताकि आपका रिश्ता ठीक हो जाए। और कुछ लोगों के पार्टनर ऐसे हैं, एज में छोटे हैं, एफर्ट ज़्यादा नहीं लगा पाते, लेकिन आपसे प्यार बहुत करते हैं, रिश्तों में भाग दौड़ उनसे संभाली नहीं जाती। ऐसे हैं कि अगर आप एफर्ट लगाओगे, आप उनकी लाइफ में चले गए तो चले गए, लेकिन वो ज़्यादा सीरियस
नहीं है। देखिए टेन ऑफ कप्स क्या बताता है, टेन ऑफ कप्स बताता है, ये जो टेन ऑफ कप्स बताता है कि वो आपका पार्टनर इमोशनली अटैच है आपके साथ, आपको मैरिज प्रॉपर्टी समझते हैं, आपके तक आगे तक जाना चाहते हैं, यानी कि शादी, बच्चे, पूरी सेटलमेंट, एक हरा बुरा भरा पूरा परिवार। लेकिन ये कार्ड ये भी बताता है कि फैमिली वालों का इंटरफेयर तो है, और कोई थर्ड पार्टी भी आपके पार्टनर की लाइफ में हो सकती है, जिसकी वजह से आप अपने रिश्ते में बंधा हुआ भी अपने आप को फील करते हो। लेकिन फ्रेंड्स मैं आपको ये बता दूं कि ये कार्ड जब आता है इसमें ये भी बताया जाता है कि फैमिली वालों का या थर्ड पार्टी का जिसका भी इंटरफेयर होता है वो आपके पार्टनर को बहुत मैनिपुलेट करते हैं। आप समझ गए ना, वो ऐसे इंसान है कि जो प्यार प्यार से मैनिपुलेट करते हैं, और आपके पार्टनर को पता नहीं चलता कि कहाँ वो क्या खो रहे हैं, उनको वो सबसे ज़्यादा अच्छे लगते हैं। समझ गए ना आप, जब कोई सामने सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है तो क्या होता है, हम उसकी बात का पूरा भरोसा करते हैं, तो एक दिन पता चलता है कि हम अंदर ही खाली हो गए हैं, सामने वाले ने हमें अंदर से बिल्कुल खाली कर दिया है। तो यहाँ ये वाले थर्ड पार्टी होना काफ़ी नहीं है, अगर आपका पार्टनर अच्छा है तो थर्ड पार्टी, चाहे वो फैमिली है चाहे उसका कोई क्रश है, वो पूरा मैनिपुलेट करता है, बीच में इंटरफेयर ये लोग करते हैं, फैमिली वाले भी हैं, उसको प्यार प्यार से, प्यार प्यार से सहला सहला के अपनी बातें मनवाते हैं, ताकि उसको पता भी ना चले कि ये उनको मैनिपुलेट कर रहे हैं, और वो प्यार से आपके पार्टनर उनकी बातों में आ जाते हैं और रिश्ता हो जाता है खराब। लेकिन कुछ लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं, हो सकता है आप स्पिरिचुअल हो रहे हो, जब आपका पार्टनर स्पिरिचुअल हो रहा हो, और अगर आप ऐसे कर रहे हैं तो आपका रिश्ता जो है शादी तक जाएगा, शादी, सेटलमेंट, बीवी, बच्चे, एक खुशहाल फैमिली। लेकिन कुछ लोगों के पर्सन छोटे हैं, उनको एफर्ट नहीं लगाए जाते, उन्होंने ईश्वर पे छोड़ रखा है, लेकिन वो सीरियस नहीं है, वो आपके बारे में, आपके पार्टनर सोचते हैं, इमोशनली अटैच है कि मैनिफेस्ट करूंगा तो मेरा, आपकी तरफ से सोचते हैं कि आप उन्हें जल्दी मिल जाओगे तो उनकी फैमिली बनेगी, शादी होगी, बच्चे होंगे, लेकिन दिल ही दिल में एफर्ट थोड़े लगाने मुश्किल है। आपको याद बहुत करते हैं, रातों को मिस भी करते हैं, और जहाँ मैं ये कार्ड है ना, ये कार्ड थर्ड पार्टी की अगर सिचुएशन बताता है तो बताया देखा, ये पता चलता है कि थर्ड पार्टी खाली आपके पार्टनर का क्रश नहीं है, वो बहुत तेज है और मैनुकुलेट करती है अपने आपके पार्टनर को। एक थर्ड पार्टी जो भी है वो मैनुकुलेट पर्सन है, जो अच्छे से मैनुकुलेट कर सकता है। अगर फैमिली है तो फैमिली भी ऐसी है, पूरी मैनुकुलेट करती है बातों को, घुमा फिरा के उनके दिमाग में आपसे अलग होने के लिए कहती है। लेकिन दो कार्ड जो है ये बहुत अच्छे आए हैं, ये बताते हैं कि अगर मैनिफेस्ट करोगे, जब आपका पार्टनर सच्चे दिल से जाता है, मैनिफेस्ट करता है, तो आपका रिश्ता, अगर आप ये सोच के बैठे हो, यहाँ तक जाएगा। चलिए हम भी तीन कार्ड फिर निकाल के देखते हैं कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है। देखिए हैप्पी नहीं है, पूरी तरह उदास बैठे हुए हैं। हो सकता है कि आपके पार्टनर आपको मिस करते हैं, लेकिन फैमिली वाले उनको कोई और रिश्ते के लिए ऑफर करते हैं तो वो मना कर देते हैं, उनका दिल नहीं मानता आपसे अलग होने को। लेकिन वही बात है, फैमिली का जहाँ, ये देखिए दसन का कार्ड आया है, वो ये बताता है कि आपकी कोशिशें, और जो अगर वो स्पिरिचुअल है वो आपकी तरफ कोशिश कर रहे हैं, तो आपकी कोशिशें जरूर कामयाब होगी, क्योंकि सन का कार्ड बहुत अच्छा है। अब एक और निकाल लेते हैं, आपको पता है मैं तीन कार्ड तो निकालती निकालती हूँ। ये देखिए हाई प्रेस्टिक्स का कार्ड है, ये कार्ड हमें ये बताता है कि कुछ बातें आपसे छुपाई भी जाती है, लेकिन आप लोग स्पिरिचुअल की तरफ, धर्म कर्म की तरफ जा रहे हो। लेकिन एक बात मैं फिर ये बता देती हूँ फ्रेंड्स, हाई प्रेस्टिक्स का कार्ड आया है, मेरे से ज़्यादा आपको अपने पार्टनर का पता है, आपकी इंट्यूशन जो बताएगी वो सही होगी अगर आप स्पिरिचुअल हो, क्योंकि आपको पता होगा अगर आपके पार्टनर कुछ चीज़ें छुपाते होंगे,
जो अपने रिश्ते को आगे नहीं ले जाना चाहते। लेकिन कार्ड यही बताते हैं कि आपके पार्टनर इस टाइम होपलेस है, इमोशनली अटैच है, उनको कोई नया रिश्ता भी बताते हैं तो वो अंदर से उसके लिए बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है। रिश्ता शादी तक भी जाएगा, बीवी बच्चों तक भी जाएगा, एक अच्छी फैमिली भी जियोगे, लेकिन ये कार्ड बताता है कि कुछ अच्छा होने के लिए स्पिरिचुअल है, चीज़ें छुपाई जाती है, लेकिन कुछ भी आपने करना है तो पहले आपने डिसीज़न लेते हुए अपनी इंट्यूशन को देखना है। इंट्यूशन को अगर आप देखोगे, देखिए मैं यहाँ पे हूँ, आप अपने पार्टनर के साथ, आपने लम्हे बताए हैं, आपने वक्त बताया, आपने उनके साथ टाइम गुजारा, आपको पता है उनका नेचर कैसा है। मैं तो जो कार्ड में आया वही बताऊंगी, और मैं यही इस हिसाब से कह रही हूँ कि आपने इंट्यूशन से काम लेना है। ये कार्ड ये भी बताता है कि सब कुछ देखा हुआ भी कभी बार गलत हो जाता है, आपने इंट्यूशन से काम लेना है। जैसे मैं आपको अपना एग्जाम्पल देती हूँ, जो बात सही है वो सही है। जैसे मैंने यहाँ पे कहा कि हो सकता है कि परिवार वाले भी मैनुकुलेट करते हैं उनको, या थर्ड पार्टी अगर क्रश है तो हो सकता है आपकी आपका पर्सन भोला है तो वो पार्टी तेज है, उनको अपनी तरफ खींचती है। अगर आपको पता है कि आपका पार्टनर भी चुस्त चलाक है और चलाकियाँ जानता है, तो अगर फिर आपको ये देखना पड़ेगा कि थर्ड पार्टी अगर उसको मैनुकुलेट करती है, आपसे अलग करती है, तो आपको ये भी सोचना पड़ेगा। अगर आपकी इंट्यूशन कहती है नहीं भाई मेरा पार्टनर भी तेज है, वो हर तरह की बात घुमानी फिरानी जानता है, तो इस हिसाब से आपको अपनी इंट्यूशन से काम लेना पड़ेगा, क्योंकि वो खाली थर्ड पार्टी नहीं, वो भी इसमें इन्वॉल्व है। आपको इस बात का ध्यान रखना होगा। द सन का कार्ड बताता है कि होगा सब कुछ अच्छा, सब कुछ अच्छा होगा। आपको पता है सन का कार्ड समझो ब्राइट है लाइफ में, लेकिन आपने जहाँ कुछ सोचना है अपने इंट्यूशन के हिसाब से सोचना है। मैंने कार्ड के बारे में बताया, मैंने ये बताया कि आप लोग इमोशनली अटैच हो, और मैं ये भी बताती हूँ कि सारे लोग नहीं इमोशनली अटैच, कुछ रिश्ते में बंधा हुआ पाते हैं, कुछ हो सकता है कि आपसे छोटे हों, लेकिन कुछ की फैमिली में कुछ मेल पर्सन ऐसे हैं जो आपके रिश्ते को लेके टकराव उनके लिए रहती है, वो पसंद नहीं करते आपको। इसलिए आपने अपने इंट्यूशन से काम लेना है, खाली ये नहीं कि मैंने कह दिया मैनुकुलेट करते। अगर आपको पता है कि आपका पर्सन भी सही नहीं है, तो आपको दोनों तरफ देख के ही अपने आगे कदम बढ़ाना है। कोई भी रिश्ता हो, आप सबसे पहले इंसान की इंट्यूशन ही काम करती है, समझ गए ना आप। इंट्यूशन से सब सारी दुनिया चलती है, मन की भावना। अगर आप स्पिरिचुअल हो तो आपकी इंट्यूशन बिल्कुल सही होगी। इंट्यूशन जब होती है ना, वो बिल्कुल सही होती है। जो स्पिरिचुअल होता है उसकी इंट्यूशन खराब होती नहीं है। हाँ, जो मैनुकुलेट बातों में करता है, उसमें 10 मिनट के बाद कुछ सोचेगा, 10 मिनट के बाद कुछ सोचेगा, उसके इंट्यूशन को लेके हम नहीं चल सकते। तो फ्रेंड्स, ये जो कार्ड आए हैं, आपको मैंने बताया कि आपके पर्सन इमोशनली अटैच है कुछ लोगों के, और कुछ लोगों के इतने सीरियस नहीं है। कुछ लोगों की फैमिली में इतनी दिक्कत है कि वहाँ कोई मेल पर्सनैलिटी ऐसी है या फैमिली वाले ऐसे हैं कि वो रिश्ते को आगे बढ़ने नहीं दे रहे। मैनुकुलेट बहुत किया जाता है, परेशान हो जाते हैं। अगर आपको आपके पर्सन का पता है कि अच्छा है, वो लोग मैनुकुलेट कर रहे हैं, तो आपको गॉड की तरफ ही ध्यान लगाना पड़ेगा, मैनिफेस्ट करनी पड़ेगी। देखिए, बीच में कुछ लोगों के पर्सन ऐसे हैं कि आपको याद कर रहे हैं, उनको कोई नया रिश्ता या नई जॉब या नई नौकरी कोई भी चीज़ आती है तो उनका मन नहीं लगता, उनका सोचना है कि आप ही उनके लिए सब कुछ हो। तो आपको आज की मेरी ये रीडिंग कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो कीजिए लाइक शेयर कमेंट, साथ में कीजिए चैनल को सब्सक्राइब, और साथ में दबाइए बेल आइकन, ताकि मैं नेक्स्ट रीडिंग जब भी डालूं नोटिफिकेशन पहुंचे आपके फ़ोन तक। आज तक के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, जय माता दी।